नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज पटना के ज्ञान भवन में एनआरबी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया। एनआरबी के बारे में हम जरा आपको बता दें, एनआरबी का मतलब है नॉन रेसिडेंशियल बिहारी। जी हां, ये एनआरबी जो संस्था है नॉन रेसिडेंशियल बिहारियों की, पूरे विश्व के 55 देशों में ये चल रही है। इस उद्घाटन के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा, आपको सुना देते हैं। बिहार के लोग दुनिया के अधिकांश देशों के तरह खड़े थे। ये आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा बिहारी ये मॉरिशस के अंदर है, और ये मॉरिशस जाने का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ, इतिहास बताता है कि 1810 में यूरोप के अंदर दास प्रथा का खात्मा हुआ। उसके पहले आपको मालूम है कि जो कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, वहां पर जो गुलाम होते थे, जो दास होते थे, उनसे खेत खलिहान लोग काम करते थे। जब 1810 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दास प्रथा की समाप्ति का विधेयक पारित कर दिया, तब उसके बाद एक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज है, जो फ्रेंच कॉलोनीज है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी सभा को संबोधित किया। आयुर्वेद सम्मानित प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण, मित्रों, आज इस कार्यक्रम को, इस सभागार में देखकर मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, और उसके गवाह के रूप में यहां संगठन महामंत्री आदरणीय नागेश जी, यह जो कार्यक्रम आज जिस स्वरूप में दिख रहा है, इसकी इच्छा अभिलाषा हम सब लोग कई वर्षों से संजोए हुए हैं, और पार्टी का एनआरआई सेल बनता था राष्ट्रीय स्तर, और ये होता था कि राज्य में भी उस स्तर का कोई सेल बनना चाहिए, तो मैं बराबर करता था कि यहाँ एनआरआई सेल नहीं, हमारे लिए तो एनआरबी सेल जो होगा वही एनआरआई सेल की तरह काम करेगा। क्योंकि बिहार के लोग न केवल दुनिया के विभिन्न स्थानों में जाकर रहते हैं, बल्कि इस देश के अंदर भी विभिन्न बड़े शहरों में, बड़े स्थानों पर जाके अपने जौहर और कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी लोहा बनवाते हैं। इसलिए एनआरबी को हमको मजबूत करना चाहिए, और पिछले 9-10 वर्षों से हम सब लोग इस काम में लगे रहते हैं। पटना में आज यह सम्मेलन पहली बार हो रहा है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।